बहुत ही ईजी तरीके से कराते हैं, अगर नहीं भी स्वास्थ्य तो भी आप सामने देखेंगे आपको खुद ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब हैदराबाद की, तो हैदराबाद की जलवायु, इतना पूरा आपका ट्रांसलेशन में आएगा हैदराबाद की जलवायु। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका जलवायु के लिए लिखेंगे कि क्लाइमेट, द क्लाइमेट। ठीक है, द क्लाइमेट का मतलब हो गया कि जलवायु किसकी, कहाँ की, कभी होता है इसका ये, उसका ये, रमेश का पिता, तो द फादर्स ऑफ रमेश, इस तरीके से लिखते हैं ना, सेम ऐसे ही द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग हैदराबाद। तो क्या है बोला जा रहा है पैराग्राफ में, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, है वेरी प्लीजेंट। ठीक है, वेरी प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट, मतलब प्लीजेंट का मतलब होता है अच्छा, मनमोहक, बढ़िया सा। दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है, दूसरी लाइन में बोला जा रहा है कि ना यहाँ गर्मी, ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक जाड़ा। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अगर कोई बात ना ये हो ना वो हो तो नाइदर लगेंगे, अगर इस तरह हो जाए कि या तो ये हो या तो वो हो तो आइदर लिखेंगे, नहीं या तो निदर आर, निदर नार, इधर आर, यानी कि इसको आइदर भी बोलते हैं, आइदर आर, नाइदर नार, जो भी बोलने का तरीका है इंग्लिश में आप कैसे भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो आवाज़ में या बोलने का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो जाता है, ये अपना हिंदुस्तान का इंग्लिश है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दोनों की बात, ना तो ऐसा हो ना तो ऐसा हो, तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर, यानी नीदर इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर नीदर। ठीक, नीदर, उसके बाद नीदर के बाद हम ध्यान देंगे जो बात बोली गई है, नीदर इट, क्योंकि मौसम की बात चर्चा हो रही है, तो इट इज टू मच, मतलब अधिक, अधिक क्या बोला जा रहा है, अधिक क्या गर्मी, तो मच हॉट, अधिक गर्मी, और ना ही, यानी नॉर, ना ही मतलब ना तो ऐसा भी हो, एंड नॉर टू मच, क्या टू मच में क्या रहेगा, कोल्ड, क्या कोल्ड, ये हो गया आपका दूसरा लाइन, कि आपका ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी, ना ही अधिक यहाँ गर्मी पड़ती है नॉर, ना ही ठंडी। अगला लाइन देखते हैं, तो अगली लाइन में क्या है बोला जा रहा है कि यहाँ वर्षा खूब होती है, यहाँ वर्षा खूब होती है। अब समय मौसम के लिए पता है कि इट का प्रयोग हमारा देख लीजिएगा वीडियो, इट क्यों लगता है, इट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है
इट के लिए मौसम के लिए लग रहा है, तो इट बारिश के लिए, वर्षा के लिए, इट रेंस मच, अर्धिक वर्षा भी बोला गया है, मच हियर बट देयर इज नो, देखिए क्योंकि बोला यहाँ अधिक नहीं, मतलब वर्षा खूब होती है और सड़कों पर, और सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देते, कीचड़ नहीं दिखाई देते, तो बट लेकिन देयर इज नो, देयर क्यों लग रहा है, देयर कभी भी कोई चीज़ उपस्थित अनुपस्थित के रूप में लगता है, जहाँ पर कर्ता देयर का यूज हम इस भी करते हैं, कर्ता के रूप में यूज करते हैं, कर्म के रूप में भी, कर्म वाला आप कर्ता के लाए, कर्म कर्ता वाला कर्म ले, ऐसे आपका आपका जो चेंज होता है इसके रूप में फिर देर का, तो देर का यूज देखना, मेरे पास दो वीडियो पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना तो समझ में आ जाएगी। तो देर कुल मिलाकर आप उपस्थित अनुपस्थित के रूप में देर का प्रयोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपस्थित ही दिखाई दे रही है क्योंकि बोला जा रहा है कि सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देती है, नहीं मतलब उपस्थित ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि देयर इज नो मड, नो मड, ठीक है, नो मड कहाँ पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, मड माने कीचड़ हो गया, ठीक है। तो ये तीन लाइन हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया, एक लाइन और करता हूँ आपके लिए, क्योंकि चार लाइन यहाँ पर कर देंगे फिर हम रफ करेंगे, ओके। तो अगला है, पढ़ने से क्या पता चला कि पठारी इलाका होने के वजह से यहाँ पानी बह जाता है, पठारी वजह मतलब पठारी इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ का पानी जो है बह जाता है, रुकता नहीं है, कहने का मतलब ये हो रहा है बात, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पठारी होने की वजह से, के कारण से, के दौरान से, मतलब किसी तरीके से, तो आपका इसके वजह से तो लिखेंगे ड्यू, क्या लिखेंगे, ड्यू टू, इसका मतलब होता है वजह से, इसके वजह से क्या हो, ड्यू टू किसके वजह, क्या यहाँ पर आपका प्लेट्यू, देखिए प्लेट्यू बोला जाता है, तो ये आपका प्लेट्यू, क्या प्लेट्यू एरिया, जिसको बोलते हैं पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, कोई पठार जो जहाँ पर होता है, तो पठारी क्षेत्र यहाँ पर, तो आपका क्या हो गया, प्लेट्यू एरिया, प्लेट्यू एरिया, क्या फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी मतलब जो है इकट्ठा नहीं होता है, मतलब सब बह जाता है, पानी जो होता है इकट्ठा नहीं होता है, तो क्या होता है, यहाँ पानी बह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया, प्लेट्यू एरिया, प्लेट्यू एरिया, वाटर फ्लोज, वाटर, वाटर फ्लोज, वाटर फ्लोज, ठीक, वाटर फ्लोज मतलब बहना, फ्लो माने बहना, तो फ्लोज आउट माने, फ्लोज आउट मतलब बह, कभी भी किसी आपका जो क्रिया होती है उसके साथ आपको फ्रेजेज में यूज किया जाता है आउट, आउट मतलब इसका मतलब वो काम हो गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ब्रोक आउट, बर्न आउट मतलब आउट लग गया, तब इसका मतलब वो काम ओवर हो गया, पूरा हो गया खुल करके, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लोज आउट मतलब क्या हो गया, बह जाता है, मतलब बह गया, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोज आउट, एंड फ्लोज आउट, एंड नेबर, एंड नेबर कलेक्ट्स ऑन द रोड, ऑन द रोड, ठीक है, मतलब सड़कों पर इकट्ठा नहीं होता है कभी भी, ये बात हो गई। अब इसके बाद हम दो लाइन और रफ करते हैं आपके लिए, लिखते हैं, तो देखिए उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि आपका ये हो गया, फिर बोला जा रहा है कि अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगती है, तो हमने बोला था ट्रांसलेशन करने का कि पीछे से आप लिख करते आइए, तो बोला जाए पहले अधिक गर्मी पड़ने के जनसंख्या के कारण, तो हम पीछे से चले आएंगे, पीछे से आएंगे, तो जो ये बोला जा रहा है कि अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लग मतलब पड़ने लगी, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिक गर्मी पड़ने लगी, तो सबसे पहले जो है गर्मी पड़ने लगी, द हीट, द हीट, द हीट हैज इंक्रीज, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड मतलब जो है गर्मी जो है बढ़ गई, गर्मी जो है बढ़ गई, कब, इन द समर, इन द समर, ठीक, इन द समर, किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, तो जनसंख्या बढ़ने के लिए मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नाउ, पॉपुलेशन नाउ मतलब अब जनसंख्या, देखिए उल्टा ही जा रहे हैं ना, ये शब्द पहले था, नाउ मैंने अब, पॉपुलेशन में जनसंख्या, इंक्रीज मैंने बढ़ना, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है ये आपका कंडीशन है कि इसकी गर्मी भी हीट होती जा रही है, मतलब हीट गर्मी बढ़ती जा रही है, तो आप उल्टा करते जाइएगा, पीछे से आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप देखिए, पूर्व विराम आपका लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर इसके बाद है आपका बसंत आने पर प्रकृति की शोभा यहाँ बढ़ जाती है, बसंत आने पर प्रकृति शोभा यहाँ पर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, आने पर किसके, बसंत आने पर, तो बसंत आने की पहले अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, बसंत आने, आना आगमन जिसको बोलते हैं, अराइवल जिसको बोलते हैं, कोई चीज़ आ रहा है मतलब कहीं पर है और आ गया ऐसा लगेगा, आगमन जिसको बोलते हैं, आगमन जैसा परिस्थिति हो तो आप अराइवल लिखेंगे, ठीक है, अराइवल ऑफ स्प्रिंग, अराइवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु, स्प्रिंग क्या, स्प्रिंग इंक्रीज, इंक्रीज क्या, इंक्रीज द ग्लोरी, इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ नेचर, ग्लोरी ऑफ नेचर, ठीक है, ग्लोरी ऑफ नेचर हियर लिख दीजिए यहीं पर, ग्लोरी ऑफ नेचर हियर, नेचर हियर, ठीक है, ये हो गया नेचर हियर, यहाँ तक आपका हो गया कि यहाँ की बढ़ जाती है। उसके बाद है कि रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है, रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है, ठीक है, ठंडी छाया रहती है, तो सबसे पहले रहना उपस्थित के लिए मैंने बोला था देयर, क्या क्या देयर, क्या रहना है, कोल्ड, कोल्ड क्या, कोल्ड शैडो, कोल्ड शैडो, कोल्ड शैडो मतलब ठंडी छाया, ठंडी छाया रहती है कहाँ, ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द ट्रीज, ऑफ द ट्रीज ऑन द वेज, ऑन द वेज, ऑन द वेज फ्रैग, फ्रैग्रेंस, ठीक है, आपका हो गया फ्रैग्रेंस, आपका हो गया ऑफ द फ्लावर, फ्रैग्रेंस ऑफ द, फ्रैग्रेंस ऑफ फ्लावर लिखिए, आप द मत लगाइए, फ्लावर, फ्लावर्स, ठीक, From gardens can be filled, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया पड़ी रहती है और वाटिकाओं से फूल की सुगंध आती रहती है, वाटिकाओं से फूल की सुगंध आती रही है, फिर बोला जा रहा है कि दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती रहती है, क्या दिखाई पड़ती रही थी, हरियाली, तो द ग्रीनरी यहाँ पर लिखे थे, द ग्रीनरी ठीक, कैन बी सीन फॉर अवे, ठीक, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे दूर 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 तक हरियाली क्या होती है, दिखाई रहती है, द ग्रीन हरियाली कैन बी दिखाई दे सकती है, दिखाई देती रहती है, मतलब कुछ ही ऐसा सकना जैसी स्थिति, तो इसलिए कैन बी यहाँ पर लगा हुआ है कि आपका दिखाई पड़ती रहती है, ठीक है, देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि दूर दूर तक हम हरियाली देख सकते हैं, फॉर दूर दूर तक, इसके बाद बोला जा रहा है हिंदी में कि देखकर मन आनंदित हो जाता है, देखकर मन आनंदित हो जाता है, तो सीइंग क्या, सीइंग दिस माइंड, मतलब यह दिमाग जो है, यह आपका मन जो है, माइंड गेट्स मैंने पाना, अंदर भरना, होना, फुल प्लीजर PLEASURES, ठीक है, ध्यान देना प्लीजर, तो इस तरीके से आपको करना है, आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से देखते रहिए, इंग्लिश मैंने पैराग्राफ लगाया, अगली बार लेकर आऊँगा, मैं बोर्ड पर लिख कर ही बनाऊँगा, मैं थोड़ा सा मैं सोचा कि एक बार आपको इस तरीके से बताएं, देखिए कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला कि पिछला वाला, जो भी अच्छा लगे उसको कमेंट कर देना कि हाँ सर वही अच्छा लगता था उसको बताइए, क्योंकि उसमें देखिए मैं एकदम कैरेक्टर पर अंडरलाइन कर करके बताता था, जैसे कोई लाइन होती थी मैं उसको अंडरलाइन करके बताता रहता था, तो वो भी अच्छा रहता था, ओके,
डिस्क्रिप्शन चेक करना, अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सेकंड चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। हमारे फ्रेंड्स एंड हमारे स्टूडेंट जो भी हैं, माई मतलब जो भी हैं कुल मिलाकर के, ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहिए।